हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा पेपर टू चल रहा है, ठीक है, पेपर टू के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हम पेपर कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने एलसीआर सर्किट के अंदर ग्रोथ हमने देख ली थी। और लास्ट मैंने लेक्चर में ये भी कहा था कि आपको कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसके स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बारी मैं उस इक्वेशन को दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि अब हम जब इसको करें तो उसके स्पेशल केसेस उससे डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो चलिए लिखिए एक बारी जो आपकी इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू, वैसे तो आपका माइनस क्यू नॉट बाई टू मैंने कॉमन निकाला था, है ना, तो आप उसको जो आपने कॉमन निकाला था और वहाँ राइट हैंड साइड में आपका प्लस क्यू नॉट भी लिखा था, तो मैं उसको इस तरीके से लिख रही हूँ कि क्यू नॉट माइनस में क्यू नॉट बाई टू, और यहाँ पे आपका कितना था, वन प्लस में बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और e की पावर माइनस में बी प्लस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना है इसका टी, और माइनस में ये एक टर्म थी और माइनस में क्यू नॉट बाई टू, और यहाँ पे वन माइनस में बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ई की पावर माइनस में बी माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है। तो ये हमारी टर्म पूरी की पूरी इसकी आ गई थी, और हमने इसको देखा यहाँ पे प्लस में क्यू नोट था जो कि मैंने आपका यहाँ लिख दिया है, और माइनस क्यू नोट बाई टू मैंने कॉमन लिया हुआ था, तो टर्म आपकी यही है, ठीक है। तो अब बचे इसके हमने क्या देखने हैं, स्पेशल केसेस देखने हैं। ये हम एलसीआर सर्किट जब हमने लिया हुआ था उसके अंदर उसके ग्रोथ को देख रहे थे, ठीक है, चार्जिंग आपकी कैसे होती है, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर थ्रू इंडक्टर एंड जब रेजिस्टेंस लगा हुआ था तब किस तरीके के इसके अंदर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो इसके अंदर बच्चे ध्यान दो, केस वन के बारे में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो केस वन जब हम इसके अंदर ले रहे हैं, तो अब देखो कोई भी चीज़ है वो आपकी तीन किसके ऊपर, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर गई है, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो अब इसके तीन केसेस होंगे, या तो ये बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो कैसे होगा, अगर बी स्क्वायर मेरा ओमेगा स्क्वायर से ज़्यादा हो गया तो क्या केस बनेगा, और बी स्क्वायर मेरा ओमेगा स्क्वायर से छोटा हो गया तब क्या केस बनेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर मैंने ये लिया है कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर जब ये चीज़ ली हुई है, ये मैंने ग्रेटर देन ज़ीरो ली हुई है, तो यानी कि अब मेरा बी स्क्वायर भी मेरा ओमेगा स्क्वायर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर आपका ओमेगा स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर आपको ध्यान में है ना, बी स्क्वायर का मैंने मतलब क्या लिया था, आर स्क्वायर बाई फोर एल, ठीक है। तो ये मेरा आर बाई टू एल का मतलब को मैंने बी कंसिडर किया था ना, ठीक है, क्योंकि टू बी कंसिडर किया था, टू बी में मैं यहाँ पे लेके आई हुई हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्रेटर ओमेगा स्क्वायर से है, ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, वन बाई एल सी, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस के अंदर मेरा ये चीज जो फैक्टर है, ये मेरा एल सी से बड़ा है। अगर ये एल सी से बड़ा है तो जो चार्जिंग होती जाएंगी वो मेरी धीरे धीरे क्या इंक्रीज होती जाएगी जब तक उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। और ये कैसी वैल्यूज देगा, जब बी स्क्वायर आपका बड़ा होगा, तो आपको दिख रहा है ना, जब भी बी स्क्वायर आपका बड़ा होगा ओमेगा स्क्वायर से, सारी रियल वैल्यूज आपकी आएंगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, क्यू नॉट माइनस में दिस है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज ही करता जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये देखोगे कि इसमें कोई भी हमारी ऑसिलेटरी फॉर्म नहीं, एक सीधी लाइन इसके अंदर बनेगी, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखोगे कि वी फाइंड दैट या इन दिस बोथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर रियल, एंड जो दोनों हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स बनेंगी वो दोनों की दोनों मेरे रियल बन गई है, और जो मेरे चार्ज है वो गोज ऑन increasing till it finally attains the Q naught value, ठीक है। और जो चार्ज इसके अंदर होगा वो या तो आप उसको डेड बीट या फिर नॉन ऑसिलेटरी बोलोगे, ठीक है,
चार्ज इज कॉल्ड डेड बीट और नॉन ऑसिलेटरी। ठीक है, सेकेंड केस किसके अंदर लेके चलेंगे? केस सेकेंड क्या होगा बेटा? केस सेकेंड ये होगा कि हमने जो इसके अंदर कंडीशन ली हुई है, बी स्क्वायर अगर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया तो हमें पता है आर स्क्वायर बाय फोर एल मेरा वन बाय एल सी के इक्वल हो गया इसका मतलब। तो अब मेरे को क्या करना है, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल करना है। इसका मतलब ये टर्म मेरी जीरो हो गई इसके अंदर। तो एक बार अगर हम इसके अंदर ये जीरो कर देते हैं, बी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म के अंदर करिएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म के उसमें अगर हम कर देते हैं तो एक बारी देखो कि ये टर्म हमारी क्या आएगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाली में एक बारी पुट करके देखते हैं, तो ये मेरी जीरो हो गई e की पावर माइनस बी टी, ये मेरी जीरो हो गई e की पावर माइनस बी टी, और ये टर्म तो एक माइनस यहाँ पे क्यू नॉट बाई टू मैं कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको करके देखते हैं यहाँ पे, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस में क्यू नॉट बाई टू वन प्लस में बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका बताओ, e की पावर माइनस में बी टी। ठीक है, और दोनों में ये टर्म आ रही थी तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि ये वन माइनस में बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर। दूसरी टर्म से भी मेरा ई की पावर माइनस बी टी ही बचना था, तो मैंने ये ई की पावर माइनस बी टी कॉमन ले लिया, माइनस क्यू नॉट बाई टू मैंने कॉमन ले रखा, और ये टर्म आ गई यहाँ से, ये प्लस की है ये माइनस की, दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये टू आ जाएगा, टू से मेरा टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू आपका कितना हो गया, क्यू नॉट माइनस में क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी। ठीक है, जिसको मैं क्यू नोट को कॉमन ले सकती हूँ, e की पावर माइनस में बी टी आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और b हमें पता है और कुछ नहीं r बाई टू एल ही था, r बाई एल को मैंने टू भी कंसिडर किया हुआ था ना, तो b को मैं r बाई टू एल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो q इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, क्यू नोट वन माइनस में e की पावर माइनस में r बाई टू एल इंटू में आपका ये यहाँ t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज की कंडीशन आ गई। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो हमारा चार्ज है आपका वो कैसा रहेगा, हमारा जो क्रिटिकली डैम्प्ड चार्ज रहेगा, जिसको आप ना तो पूरा का पूरा ये बोलोगे कि भाई सीधा जा रहा है, और ना ये बोल सकते कि भाई वो डैम्प्ड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो दिस रिप्रेजेंट्स ए, अभी इसका फिगर बनाऊंगी मैं। ठीक है, जब इसको ड्रॉ किया जाता है ना तो उसका ड्रॉ भी आपको बताऊंगी मैं। क्रिटिकली डैम्प्ड चार्ज विच इज नाइदर ऑसिलेटरी नॉर डेड बीट। ठीक है, ना वो हमारा पूरी की ऑसिलेट करता रहेगा, ना ही वो डेड बीट है, यानी कि सीधा इस तरीके से इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, पहले एक बारी इन दो के लिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। देखो इसका जो ग्राफ बनेगा चार्ज के लिए, ठीक है, वो बना रही हूँ। तो आपका फर्स्ट वाले का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो हमारा मतलब थोड़ा सा इस तरीके से होके बस यहीं तक ही उसमें हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे मतलब इतना ही चलता रहेगा। ठीक है, और जब नेक्स्ट वाला करेंगे ना तो उसमें वो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो यानी कि एक अगर हमारे पास ये लाइन है ना तो इसके उसमें इस तरीके से ही जाता ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे बस ये हो जाता है। अब ये इधर भी कर सकता है, किस तरीके से करेगा वो इसके अंदर शो नहीं कर रखा। और जो ये पहले वाला केस लिया था उसमें क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू क्यू नोट तक स्टडी इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो ये केस आपके हैं, ये मेरा पहला केस है, ये मेरा दूसरा केस है, और ये जो अब हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर वो प्योरली ऑसिलेशन के अंदर दिखाएगा वो वाला केस लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड केस को। ठीक है, तो केस थर्ड,
केस थर्ड हमारा, देखो केस थर्ड हमारा कौन सा लेके चले हुए हैं, केस थर्ड हमारा ये है कि जब हमारा बी स्क्वायर, हमारा बी स्क्वायर क्या है आपका, लेस देन है ओमेगा स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। पता है बी स्क्वायर अगर लेस देन हो गया तो आपकी ये वाली पूरी क्वांटिटी कैसी आ जाएंगी बच्चों, वो पूरी क्वांटिटी मेरी इमेजनरी आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी कैसी हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, बी स्क्वायर मेरा छोटा हो गया, ये मेरा बड़ा हो गया, तो इसका मतलब तो ये कैसे दिखाएगी, यहाँ ही देख लो, इसी फॉर्म में ही देख लो। अगर बी स्क्वायर को आपने छोटा कर दिया तो पूरी टर्म रूट की नेगेटिव निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी, इसका मतलब तो ये इमेजनरी फॉर्म हो गई है ना। तो इसका मतलब जब आप ऐसा लेके चलोगे तो आपकी जो क्वांटिटी बनेगी, देन द क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इमेजनरी। ठीक है, तो अगर ये इमेजनरी होगी तो बच्चे इसको थोड़ा सा तो फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो हम ये लिख देते हैं, इसके अंदर माइनस साइन कॉमन कर देंगे और रूट में से माइनस आता है ना साइन बाहर, तो आपको पता है आइटा आएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस वन अंडर द रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कोई एक आइटा ले सकते हैं या जे की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप कोई सी भी फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, इमेजनरी जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको जे लिख रही हूँ, और ये कितना हो जाएगा मेरा ओमेगा डैश। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओमेगा डैश, ताकि मैं इसको ज़्यादा टिपिकल ना बना पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा ईजी आ जाए, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ तुमने ये चेंजेस किए हैं ना, किस इक्वेशन में, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो आपका रिजल्ट निकला था, इसको इस फॉर्म में जो आपने कंसीडर किया है, इस फॉर्म में लिखिए। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद हमारी जो कंडीशन बनी है वो क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस में Q नॉट बाई टू, वन प्लस में B अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर था ना, तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के रूट को तो ये लिख रही हूँ मैं, तो बी अपॉन में कितना हो जाएगा, जे ओमेगा डैश। ठीक है, ई की पावर माइनस बी और माइन प्लस में अंडर रूट में वो सारी चीज़ थी, तो अब वो कितना हो जाएगा, जे ओमेगा डैश हो जाएगा। ठीक है, और टी और माइनस में क्यू नॉट बाई टू, यहाँ पे वन माइनस में ये जो प्लस में थी वहाँ नेगेटिव थी तो हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के अंदर माइनस भी, माइनस में ये सारी टर्म थी, तो जे ओमेगा डैश इंटू में टी हमारा ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्यू नॉट को पूरा कॉमन लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा वन माइनस में हाफ, वन प्लस में बी अपॉन में जे ओमेगा डैश। ठीक है, ई की पावर में माइनस बी प्लस में जे ओमेगा डैश इंटू में टी, आपका यहाँ ये हो जाएगा माइनस के हाफ, वन माइनस में बी अपॉन में जे ओमेगा डैश, और ये ई की पावर माइनस बी माइनस में जे ओमेगा डैश, और ये टी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, और क्या सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, ई की पावर माइनस बी टी को भी कॉमन कर सकते हैं, है ना, तो इसको कॉमन कर सकते हैं जहाँ जहाँ आएगा ये। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये हो जाएगा वन माइनस में ई की पावर माइनस में बी टी बाई टू। ठीक है, और अगर ये करते हैं ई की पावर माइनस, तो ई की पावर बी टी और ये दोनों टर्म इसके अंदर है, तो अगर ई की पावर माइनस बी टी बाई टू को कॉमन कर रही, तो यहाँ पे ई की पावर जे ओमेगा डैश टी तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ई की पावर जे ओमेगा डैश टी। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे बी अपॉन में ये भी था, तो बी अपॉन में जे ओमेगा डैश, ई की पावर माइनस बी टी, ये फैक्टर तो कॉमन आ गया, तो जे ओमेगा डैश वाले टर्म अभी भी बची हुई है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ई की पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा डैश टी, फिर प्लस में इस वाली टर्म के अंदर भी माइनस, तो ई की पावर बी टी कॉमन ले रखा है मैंने, और ये वन के साथ करेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ पे बचेगी, तो ई की पावर माइनस में जे ओमेगा डैश टी, और यहाँ ये कितना आ गया है आपका, ठीक है, ये वाली टर्म इसकी ये आ गई, और यहाँ कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस के बी अपॉन में जे ओमेगा ई की पावर माइनस में जे ओमेगा डैश टी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लस में था ना, तो ये माइनस में ऊपर चला गया, और ये प्लस वाली टर्म के साथ मैंने ये कर दिया, और माइनस यहाँ पे ये रुका हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बच्चे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, क्यू नॉट वन माइनस में ई की पावर माइनस बी टी, ये जो टू है ये इनके नीचे लगाने लग जाओ, देखो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये वाला है, और इसी तरीके से सेम ये और ये है, तो टू को इन दोनों के नीचे करके लिख देंगे। ठीक है, फॉर्म बनेगी देखना अभी एक। ठीक है, ई की पावर जे ओमेगा डैश टी प्लस में ई की पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी,
डिवाइडेड बाय टू और प्लस में बी बाय आपका ओमेगा डैश, ठीक है। और यहाँ ई की पावर जे ओमेगा डैश टी माइनस ई की पावर माइनस में जे ओमेगा डैश टी डिवाइडेड बाय टू जे। तो आप सबको दिख रहा है ना कि इमेजनरी टर्म में ई की पावर आइटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन टू, ये किसका होता है, कोस आइटा थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ना। और ई की पावर में आइटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन में टू आइटा, अगर इस तरीके से होता है तो वो साइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसको दोनों को कोस और साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास ये कितना हो गया, क्यू नॉट और यहाँ पे वन माइनस में ई की पावर माइनस में बी टी, और ये फॉर्म आपकी कितनी होगी, कॉस ओमेगा डैश टी प्लस में बी बाय ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी, क्लियर है। तो आपकी ये दोनों पूरी फॉर्म आ गई है। अब इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। क्या कि यहाँ पे ये जो आपका ओमेगा डैश नीचे आ रहा था ना, इसको करके लिख देंगे सॉल्व, ध्यान से देखो। अब इसको करके लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो q है वो किसके इक्वल हो जाएगा, q नॉट, और ये वन जो आपका ओमेगा था ना बच्चे, देखो ओमेगा इसके अंदर जो हमने लिया हुआ था यहाँ से, ये ओमेगा इसके b अपॉन ओमेगा डैश था, तो मैं यहाँ नहीं छोड़ना चाहती, तो इसके मल्टीप्लाई में और यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस में ई की पावर माइनस में बी टी डिवाइडेड बाय आपका ओमेगा डैश, और यहाँ ओमेगा डैश आ जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस में बी साइन ओमेगा डैश टी, क्लियर है ना, ठीक है। अब क्या काम करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चे हम क्या कर देते हैं, क्योंकि हमें वो ऑसिलेशन लेके आने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको फॉर्म में लेके आते हैं कि ओमेगा डैश को लेट कर लेते हैं कि ये आर कोस थीटा, थोड़ा और उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बी को हम क्या मान लेते हैं, आर साइन थीटा। तो आपको पता है अगर इनको ये मान लिया तो आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस में ओमेगा डैश का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डैश का स्क्वायर है ना, तो ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके है, ओमेगा स्क्वायर ही तो है, तो ओमेगा स्क्वायर अगर इसके इक्वल है तो रूट में से बाहर निकालूंगी तो ओमेगा ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल भी तो बता सकते हैं हम, थीटा के फॉर्म में कर रहे हैं, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी बाय ओमेगा डैश आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हमारी ये वाली वैल्यू पूरी आ चुकी है। तो जब आपने थीटा की फॉर्म में, यानी कि आप इस तरीके से उसको लिख रहे हो, तो जो आपका सिंपल टर्म है ओमेगा डैश वगैरह, उनको इसमें चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो ये क्यू है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू नॉट वन माइनस में ई के पावर माइनस में बी टी अपॉन में ओमेगा डैश, ठीक है। और आपने क्या किया है, इसको ओमेगा डैश को आर कॉस थीटा पुट किया है और बी को आर साइन थीटा, तो यानी कि आर तो दोनों में से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आर मैंने बाहर निकाल लिया ओमेगा के साथ, तो क्योंकि ओमेगा डैश था तो कॉस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस में साइन थीटा साइन ऑफ ओमेगा डैश टी, ठीक है। आपने, आपको याद होंगे कि जब हम 11th क्लास के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक की चीज़ें सॉल्व करते थे, तो इनके साथ में एक फॉर्म हमारी इस तरीके से हम बनाते थे ताकि उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बन जाए, वहाँ पे उसको सॉल्व करने में इजी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा फॉर्मूला था बच्चे, यहाँ पे ये किसकी, उसमें कॉस की भी टर्म है साइन की भी टर्म है, कितना मुश्किल है, एक अगर होगा तो उसको ड्रॉ करना भी ईजी होगा ना, ठीक है। कंबाइन करने की बजाय एक ही फॉर्म करना थोड़ा इजी रहेगा, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक के अंदर करना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसको आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब अगर आपने इसको कंसीडर, तो आपको पता है कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। तो ये एक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, क्यू नॉट वन माइनस में ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश आर, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा, ठीक है। तो अगर इतना ये वाली चीज आ गई है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, क्योंकि हमने आर को भी ओमेगा निकाला हुआ है ना, भी पीछे किया था, तो इसको भी लिख सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस में ओमेगा बाय ओमेगा डैश, आर को मैंने ओमेगा पुट कर दिया, ई की पावर माइनस में बी टी कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा, हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ से ओमेगा
ये पूरी फॉर्म बन गई है, ठीक है। और ओमेगा डैश को हम उसमें लिख सकते हैं, ये हमने बताया था ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डैश का स्क्वायर, हमने ये कंसिडर भी किया था। तो यहाँ पे ओमेगा डैश को हम ये लिख सकते हैं, तो आप इसी वैल्यूज को लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा और हम उसकी फॉर्म में नहीं, जो हमने लिए हुए थे ना बी और ओमेगा, हम उसी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में तो हमें उन्हीं की फॉर्म में बताना है, एक और चीज़ लेने से फ़ायदा क्या है। तो हमने जो कंसिडर किया हुआ था, हमने उसको उसी चीज़ के अंदर पूरा का पूरा लिख दिया है। अंडर द रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर टी, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का थीटा, ये ठीक है। अब एक काम करो, जब अब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जैसे कोस का, कोस की एक फॉर्म बनती है ना इस तरीके से यूँ, ठीक है। तो जिस जीरो के ऊपर यहाँ से वन से इस तरीके से ये बनती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एकदम से ये इंक्रीज़ करेगा पॉजिटिव से, और फिर इस तरीके से ये ऑसिलेशन के अंदर दिखाता रहेगा, ठीक है। तो यही हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बताना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ये वन के उसमें होते, तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि ये वन है ना, और ये भी कुछ वन की फॉर्म में ही आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ कम से फिर स्टार्ट करेगा ये ऑसिलेशन करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया था, ठीक है, ये उसी फॉर्म में ही आएगा। फिगर क्या बनाया था, आप दोबारा बना सकते हैं कि यहाँ पे एक ये आपकी जैसे लाइन है, ठीक है, ये क्यू नॉट का चार्ज है। तो तीसरे वाले के लिए बना रही हूँ, पहले कम फिर बाद में बढ़ता 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 बढ़ता, जैसे कॉस के उसमें ये ऑसिलेशन दिखाता रहता है, वैसे ही ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेटरी करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट के लिए। सेकंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा बी के लिए। और थर्ड वाले के लिए तो ये इंक्रीज़ करता करता कहाँ चला जाएगा, एक क्यू नोट वाई वैल्यू तक जाएगा। हमने देखा था ना, ये हमारा ऑसिलेट नहीं करता है, नॉन ऑसिलेटरी है, डेड बीट लाइन की तरह है, और इंक्रीज़ करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे जो ये आपका न्यू होता है, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, तो ओमेगा डैश न्यू इज इक्वल टू 2 ओमेगा डैश बाई 2π हम लिख सकते हैं ना। तो अगर ये लिख सकते हैं, तो ओमेगा डैश कितना है, ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाई 2π के इक्वल है। तो यानी कि हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 1/2π अंडर द रूट ऑफ 1/LC माइनस में R² डिवाइडेड बाय 4L² तो अगर हम इसके अंदर ये कह दें कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस था कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो अगर ये जीरो हो गया, तो आपको यहाँ से दिख रहा है न्यू इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ऑफ LC आ गया। जैसा फ्रीक्वेंसी हम पहले निकालते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। बस अब इसके अंदर एक चीज़ और रह गया, आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो भी कर लीजिए। आपको जैसे आपने अभी तक तो ये किसका बताया है बेटा, चार्ज के लिए बताया है, चार्ज के ही स्पेशल केसेस बताए हैं, लेकिन करंट भी तो निकालना पड़ता है ना, ठीक है। तो हमें इसके अंदर हमारा करंट रह गया था, तो करंट को और बता दीजिए। करंट हमें पता है कितना होता है, चार्ज का जस्ट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमारा जो चार्ज था उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। कौन सा वाला डिफरेंशिएट करेंगे, जो अब हमारा ये कॉस और साइन की फॉर्म में आपका ओमेगा डैश की फॉर्म में आ रखा है ना, जो ठीक है, जो अब हमने निकाला था, लेटेस्ट निकाला था ना हमने इस वाले केस के अंदर, ठीक है, ओमेगा डैश और ये वाला, इसके केस में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो बड़े वाले को नहीं करेंगे, इस वाले को करेंगे, ठीक है। तो आपका जो करंट है वो कितना आ जाएगा, माइनस में क्यू नॉट ओमेगा ई की पावर माइनस में BT। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना और अपनी कॉपी में देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस में थीटा माइनस क्यू नॉट ओमेगा ई की पावर माइनस BT, जस्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल इजी वे में। आपको अगर कहीं पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो उसको दो फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। ओमेगा टी माइनस में थीटा और माइनस में इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी से, तो ये ओमेगा डैश आ जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो माइनस बी है यहाँ पे है, माइनस यहाँ, यहाँ पे माइनस साइन भी है, यहाँ पे भी है, तो ये पूरा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं माइनस साइन को दोनों साइड वो करके उसको प्लस में कर लेती हूँ, और क्यू नॉट ओमेगा ई की पावर माइनस में BT डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश, आपका ये पूरा कॉमन आ रहा है दोनों ही साइड से, तो मैंने इसको भी कॉमन कर दिया है।
माइनस में थीटा प्लस में ओमेगा डैश साइन ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब आपको पता है कि हम बी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बी मतलब दोनों साइड ही हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर देती हूँ और इसको भी ओमेगा से कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर इसको भी कर दिया तो आपको पता है कि आपने किया था कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, बी बाय ओमेगा डैश के इक्वल होता है, ठीक है। तो बी बाय ओमेगा डैश के इक्वल अगर आपका टेंजेंट थीटा होता है तो आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, एक मिनट, तो इनको चेंज करके लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा डैश नहीं है, ओमेगा है, तो इसको चेंज करके लिखेगा तो ये कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में ओमेगा डैश, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि आप एंगल जब ये लिख के चलोगे ना, ठीक है, ओमेगा बी अपॉन में ओमेगा डैश टेंजेंट थीटा है, तो हमें ओमेगा की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब आप पूरा का पूरा उसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे बी बाय ओमेगा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा, और ओमेगा डैश बाय ओमेगा की फॉर्म में अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा, आपका ये टर्म हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस ए साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी किसका फॉर्म होता है, साइन ए प्लस बी का, है ना। तो आप इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी बाय ओमेगा डैश, और ये साइन ए प्लस बी, तो ए तो थीटा है और बी कितना है, ओमेगा डैश टी माइनस थीटा। तो मैंने ये पूरा पुट कर दिया, यहाँ से थीटा थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो यानी कि साइन सिर्फ किसका एंगल बन गया, साइन ओमेगा डैश टी का, ठीक है। और ओमेगा डैश आपका कितना है, अंडर द रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बस डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर सकते हैं कि आई आपका किसके इक्वल हो गया, दिस ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस बी टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आप ये बता रहे हो कि जिस तरीके से हमारा साइन जो है, मतलब ये किसकी फॉर्म में